ओ व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल MBPS जोन YT के एक और नए वीडियो में। तो गाइस, हम आज आर्क सर्वाइवल मोबाइल खेलने वाले हैं। ऑफलाइन सर्वर खेलेंगे आज, तो हम कैजुअल और हार्ड खेलेंगे। कैजुअल में क्या है गाइस कि आप अगर जब भी मरते हो ना, तो आपकी इन्वेंट्री, ज़्यादातर इन्वेंट्री आपके पास ही रहती है, जैसे कि ब्लू प्रिंट हुए, वेपन हुए, आर्मर, ये सारी चीज़ें आपके पास रहती हैं। और हार्ड में हमें काफ़ी अच्छे लेवल के डायनासोर मिलेंगे, करीबन 300 तक के आप उनको मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ठीक है, सेटअप हो गया है, स्पॉन होंगे यहाँ पे साउथ जोन 2 इजी। ठीक है, तो गाइज अगर ये गेम अच्छा लगे ना तो कमेंट करना, कमेंट करके बताना गेम कैसा लगा। तो ये देखिए, ये स्पॉन हो चुके हैं हम। इसके हाथों में जो है ना, इसी में ही पूरी मतलब इन्वेंट्री वगैरह रहती है। और ये हम एक्सपोन होते ही हम डेंजर डायनासोर के जोन में आ गए हैं। देखिए राइट हैंड पे जो ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप डेंजर डायनासोर के जोन में हैं। अभी हम निकल गए वहाँ से, पता नहीं क्या था। तो यहाँ पे बेसिकली इस गेम में आपको सर्वाइव करना रहता है, आपको चीज़ें कलेक्ट करना रहता है, नई नई चीज़ें बनाना रहता है, लेवल अप करो। लेवल अप करने पे आपको नई नई चीज़ें अनलॉक होगी, तो वो आर्मर या वेपन या बहुत सारी चीज़ें। देखिए ये पूरा मैप है, अभी अपन यहाँ पे हैं, और ये पूरा मैप अपन जब हमारे लेवल अप होंगे तो पूरा मैप एक्सप्लोर करेंगे, तो पूरा मैप खुल जाएगा। अभी देखो राइट में ऊपर देखो, हमें एक मिशन मिला कि कलेक्ट वन वुड, वुड हमें इसे मिलेगा। ये जो राइट में मतलब ये जो मिशन रहते हैं, ये अपन कंप्लीट करा करो तो लेवल काफ़ी जल्दी लेवल अप हो जाता है। ओके, कलेक्ट थेज, ये हो गई। अब अपने को क्राफ्ट पिक मतलब स्टोन पिक बनाना है, ये इसके लिए जो चाहिए था वो कलेक्ट हो गया, तो अपन ये बन गई। कुछ थोड़ी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। ये बहुत बिंदास गेम है गाइस, कभी खेल के देखना। और हाँ, ये अपना मिशन हो गया। और देखा आपने, ये जो नीचे हमारे ये हेल्थ के पास में बना हुआ है, जब अपना लेवल अप होता है तो उस, तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी अपना लेवल अप हो गया। अभी आसपास देखना पड़ेगा कोई डायनासोर वगैरह तो नहीं है, बाकी इसमें काफ़ी सारे डायनासोर रहते हैं। बड़े भी डायनासोर होते हैं तो वो ऐसे होते हैं बहुत सारे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, और बहुत सारे ऐसे छोटे डायनासोर रहते हैं जो परेशान करके रख देते हैं, मार देते हैं, इसलिए उनसे बच के रहना पड़ता है। और ये फर्स्ट पार्ट है गाइस इसका, आर्क मोबाइल का। और अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। और गाइस प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर दो यार, न्यू चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो प्लीज। ये अभी कुछ नई नई चीज़ें सिखा रहा है, अभी नया चालू करा है, न्यू सर्वर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें अभी सर्वाइव करना है। और जब लेवल 10 हो जाता है तो उसके बाद में हमें एक्सप्लोर नोट वगैरह मिलते हैं, तो हमें कभी जल्दी लेवल अप हो जाते हैं। और ये जो हरी हरी रोशनी दिख रही है, एक ये रही और एक आगे रही, तो ये है, मैं यहाँ पे मर चुका था, ये देखिए, क्योंकि मुझे आगे के आइलैंड पे जाना था पर मैं नहीं जा पाया, और बीच में डायनासोर मिल गए थे बड़े बड़े, तो उन्होंने मार दिया था। अब हम यहीं पे हमें सर्वाइव करना होगा, करीबन लेवल 10 तक तो करना ही होगा। हमें कुछ ऐसी चीज़ें मतलब मतलब आग जलाना पड़ेगा, खाना इकट्ठा करना पड़ेगा, वो इकट्ठी करनी पड़ेगी, हैज फायर पेड़ों को काटते हैं तो हमें हैज और वुड दोनों मिलती है। स्टोन को अगर फोड़ेंगे तो इसमें से
इसमें फ्लिंट और स्टोन और मेटल तीन चीज़ मिलती है। मेटल काफ़ी रेयर चीज़ होती है, ऐसे मिल जाया करती है। हमें मतलब अभी सर्वाइव करने के लिए घर भी बनाना होगा, और घर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होगी तो वो जब अपने लेवल अप होगा करीबन 4 से 5 लेवल में, अपने 3 हाँ 4 लेवल में घर खुलेंगे, मतलब नीचे फाउंडेशन मिलेगा तो उनको बनाने के लिए भी हमें थेज फाइबर ये सारी चीज़ें लगेगी। तो अभी लेवल 1 मतलब लेवल 2 के लिए हमें 50 पॉइंट चाहिए और मेरे 39 पॉइंट हो चुके हैं, अभी 40 हो गए, तो 50 जैसे ही हो जाएगा तो अपना लेवल अभी मतलब ये डिल्लो दिखता तो छोटा है, बाकी मार देता है वो काफ़ी अपना लेवल फर्स्ट लेवल हमें बस ये चीज़ इकट्ठे कर करके जल्दी से अपना लेवल अप करना होगा। ये डोडो फ्रेंडली डोडो, ये कुछ नहीं करता, बस इसे ऐसे हम जैसे मारेंगे तो इनसे 2 चीज़ें मिलेगी, एक तो मीट और दूसरा थे मतलब तो खा ले। तो हमें ना अभी जब लेवल अप होंगे तो डायनासोर को टैम करेंगे और उनकी राइड भी कर सकते हैं जब उनकी सैडल अनलॉक होगी, अलग अलग डायनासोर की अलग अलग लेवल में सैडल अनलॉक होती है तो उसकी राइड भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी उड़ने वाला डायनासोर जो रहता है पेट्रोडॉन, तो उस पर उसकी जब सैडल अनलॉक होती है तो उसे टैम करके उसके ऊपर बैठ के उड़ भी सकते हैं, तो काफ़ी मज़ेदार गेम है ये। फिर से आइए, ओ भाई चला जा, जीने दे यार, अभी तो जिंदे हुआ। ये पानी पी ले, जैसे आप पानी में जाते हो तो आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली पानी पी लेता है। थोड़ा खाना इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि अभी रात होने वाली है, आग जलाना पड़ेगा, खाना इकट्ठा करना पड़ेगा। और गाइस इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जब अपना लेवल अप होगा तो हर आगे का पार्ट इंटरेस्टिंग ही होगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी लेवल अप बस होने वाला है और रात भी होने वाली है, तो हमें इसके लिए आग जलाना पड़ेगा, आग जलाने के लिए काफ़ी सामग्री इकट्ठी करना पड़ेगा। तो ये ऐड देखा, गिफ्ट बना हुआ रहता राइट हैंड पे ऊपर की साइड, तो उसमें ऐड देखा तो उससे ये मिला, ब्लूप्रिंट है ये, स्टोरेज बॉक्स का ब्लूप्रिंट है। तो उसको बनाने के लिए चाहिए 25 वुड और 20 थेज और फाइबर, तो हमारे पास बस वुड की कमी है। और आप पिक से अगर स्टोन पिक से झाड़ को काटोगे तो आप देखिए, तो हम थोड़ी हेल्थ बढ़ा लेते हैं, थोड़ा स्टेमिना बढ़ाते हैं क्योंकि हमें काफ़ी लंबे लंबे भागना पड़ता है। तो आप स्टेमिना, आपका ये कैंप फायर ओपन हो गया जिसे हम बना भी सकते हैं, और अभी कैंप फायर बन जाएगा तो खाना भी पका सकते हैं। देखो राइट हैंड पे जो ऊपर मिशन दिए रहते हैं ना, इनको आप कंप्लीट करो तो आपका लेवल काफ़ी जल्दी हो जाता है लेवल। देखो मेरा अभी लेवल 2 हुआ था और लेवल 2 भी मतलब आधा हो गया है कंप्लीट।
मिशन दिए थे तो उसे पूरा करने के काबिल। तो ये हम हमारे सामान डालेंगे, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वैसे हम हमारी इन्वेंट्री खाली कर लेंगे। अभी मुझे कैंप फायर बनाना है तो उसमें से सामान ले लिया। रात हो गई, इसमें कुछ बुक अटैच डाल देंगे। और ये देखो मीट डाल दिया, आप लगे थे अपने मीट पकड़े हैं। तो कुछ और चीज़ें देखो, ठंड लग रही है राइट हैंड के ऊपर, देखो हम आग से दूर गए तो बोल रहा कोल्ड है, गर्म जगह देखो वापस आ गए तो ये ठीक हो गया। आग के पास बैठते हैं, कुकिंग हो रहा है, मीट पक रहे हैं। तो गाइस ये था इसका फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट भी जल्दी आने वाला है। और अगर भाई आप लोग आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।